अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज है अलविदा जुमा और आज 25वां रोज़ा है। दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और ज़ुकाम हो गया था मुझे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील कर रही हूँ, सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और मिराज गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो अभी आ कर लेटे हुए नमाज पढ़ के। और कितने बजे आए? अभी 4 बजे आए शाम में और गए थे 12 बजे ही। और मिराज को कुछ सामान वगैरह भी लेना था, कपड़े वगैरह लेने थे, तो वो सब ले के अभी आ गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं टेलर के पास, जो मैंने अपने कपड़े वपड़े सिलने के लिए दिए थे वो लेने के लिए। जाओगे अभी? अभी है शाम को, शाम में ही चलेंगे। तो बाकी अभी थोड़ा सा जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट वगैरह मिले थे, मैं सोच रही हूँ वो दिखा दूँ, क्योंकि मैं बर्थडे के अगले दिन ही बोली थी कि मैं दिखाऊंगी, बट नहीं दिखा पाई थी, बिजी हो गई थी दावत वगैरह में। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और जो कपड़े वगैरह मिले हैं वो मैं पहन के दिखाती हूँ, कैसे हैं, किसने दिए, सब बताऊंगी आप। सो गाइज, ये सब मुझे बर्थडे पे गिफ्ट में मिला था और इसके अलावा पैसे मिले थे, तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ किसने क्या दिया था और बताती हूँ आपको। ज़्यादातर मुझे सूट ही मिले हैं क्योंकि सबको पता है मुझे कपड़े बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर कपड़े ही मिले हैं मुझे। तो मैं दिखाती हूँ आपको किसने क्या क्या दिया है। सो फर्स्ट ये है जो कामरान भाई ने मुझे पर्स दिया है, ये बहुत ही प्यारा है पर्स और अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, काफ़ी प्यारा लगा मुझे ये, थैंक यू सो मच। और सेकंड ये भी पर्स है जो इमो ने मुझे दिया है, ब्लैक कलर का, बहुत ही प्यारा। और इसके साथ ये बेल्ट भी है, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और बेल्ट के साथ भी, थैंक यू सो मच इमो। ये एक सूट है जो मेरी अप्पी ने दिया है, कज़न ने, ये काफ़ी प्यारा है, इसको मैं पहनूंगी कभी तो दिखाऊंगी आपको, ये बहुत ही प्यारा सूट है। और इसके साथ शलवार भी है और चुन्नी भी है, थैंक यू अप्पी। ये एक फ्रॉक टाइप सूट है, ये भी अप्पी ने दिया है, कज़न है मेरी, उन्होंने दिया है, ये भी काफ़ी प्यारा है और मुझे बहुत पसंद आया। ये थोड़ा लूज है, नहीं तो आज मैं इसे पहनती है अलविदा जुमा के दिन, और ये बहुत ही प्यारा है, सो थैंक यू अप्पी। और ये भी अप्पी ने दिया है, एक फ्रॉक सूट है, ये काफ़ी प्यारा है और इसके नीचे भी पजामा है और दुपट्टा है, ये मैं पहनने वाली थी। ये दिया है आफरीन की मम्मी ने, जिसके बर्थडे में हम लोग गए थे, थैंक यू अप्पी। और ये है ड्राई फ्रूट सेट जो अनब और जैनब ने दिया है मुझे बर्थडे में, ये भी काफ़ी प्यारा है, ईद पे लगाऊंगी मैं इसे डाइनिंग टेबल पे, थैंक यू अनु जैनू। हर साल की तरह इस बार भी अनब ने मुझे एक कार्ड बना के दिया है जो कि काफ़ी प्यारा है, और इस पे हमारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं मेरे और अनब के, थैंक यू अनब। तीन कार्ड मेरे पास इकट्ठा हो गए ऐसी जो अनब ने दिया है मुझे बना के। और ये वाला सूट मुझे दिया है इमरान भाई और भाभी ने, ये अनस्टिच्ड है, इसे सिलवाऊंगी मैं ईद के बाद, क्योंकि अभी कोई कपड़े ले नहीं रहे, तो इसे बकरीद के टाइम पे सिलवाऊंगी, काफ़ी प्यारा है ये, थैंक यू भैया भाभी। और ये वाला सूट दिया है रूबी भाभी और जीशान भाई ने, ये भी काफ़ी प्यारा है, इसका दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने पसंद किया था, ये भी काफ़ी प्यारा है, इसको भी मैं बकरीद के टाइम पे सिलवाऊंगी, थैंक यू जीशान भाई और भाभी, बहुत ही प्यारा सूट है ये भी, इसका दुपट्टा काफ़ी प्यारा है। तो गाइज, इतने सारे गिफ्ट थे मेरे जो सबने दिया मुझे, इस बंदे ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो थैंक यू सो मच सबको। बाकी अब जा रही हूँ मैं इफ्तार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया है, सो मिलते हैं आप लोगों से इफ्तार बनाते टाइम। 2 hours later तो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं आज समर ने क्या बनाया है इफ्तारी के लिए। हाँ भाई, फर्स्ट टाइम बनाया, अच्छा बन गया, बस इसके हाथ पाँव, थोड़े हाथ पाँव निकल, फ्रूट भी काट दिए तुमने, सही है।
तो भाई समर ने आज ये पहली बार बनाया, पता नहीं क्या बवाल बना दिया है। मुझे तो पता भी नहीं है। तोड़ के देखो टूट रहा है कि नहीं। समर भेजती। ये तुम्हारा रेसिपी है मेरा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कह रहा तोड़ के देखो टूट रहा है कि नहीं। ये पता नहीं टूटेगा कि नहीं। सोचा जा रहा है। अच्छा लगेगा ये। अरे हम खाते थे समर, ये बनता था, मम्मी बनाती थी ये, पता है मुझे। और भाई लग चुका है इफ्तारी। A few inches later. So guys, हमने इफ्तार वगैरह कर लिया था और अभी शाम रात के 9:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ऐसी शाहीन बाग। थोड़ा सा मार्केट घूम लेंगे, कुछ लेना होगा तो ले लेंगे। मिराज को थोड़ा बहुत काम भी है। अरे तुम तो सो रहे हो, जाना नहीं है? चलो उठो। तो बस हम निकल रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से शाहीन बाग मार्केट पहुंच के और आप लोगों को दिखाएंगे। वहां पे इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल रौनक और बिल्कुल शहरी तक इतनी भीड़ भाड़ होती है, ऐसा लगता है बिल्कुल पुरानी दिल्ली आ गए हैं हम। बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी पहले हम जा रहे हैं टेलर के यहाँ पे क्योंकि हमारा कपड़ा सिल गया है। दोपहर में ही जाने वाले थे बट मेरा थक गए थे तो नहीं जा पाए हम लोग। तो अभी पहले टेलर के यहाँ जाके कपड़े लेके उनके यहाँ से फिर जाएंगे। जैसा भी होगा आप लोग को दिखाते हैं। तो भाई हम रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। हेलो। तो गाइस हम आए थे मामा के पार्किंग में बाइक लगाने के लिए बट यहाँ पे कामरान भाई की स्कूटी दिख गई तो हमने सोचा पहले उनसे मिल लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, तो इसलिए हम आ गए भाई से मिलने और उसके बाद फिर जाएंगे हम मार्केट जो भी काम करना है। सलाम नमस्ते दीदी, नमस्ते। सलाम आँख में क्या किया, बिल्ली पदवा लिए। तो हम लोग आए थे मम्मी के घर और यहाँ पे बैठ गए खाना खाने के लिए। कामरान भाई पेट अंदर कर लिए। A few inches later. निकल चुके हैं मम्मा के घर से शॉपिंग करने और ये देखो रोड के साइड में गाड़ी की पार्किंग लगा रखी है। और मेरा गाड़ी तो बैन कर देना चाहिए रमजान भाई, पार्किंग वही लगा देनी चाहिए कालिंदी वाले में। तो भाई देखो यहाँ पे रिपोर्टर लोग आया हुआ है। तो भाई ये लोग मिल गए हम लोगों को। कहाँ है नौमी भाई? 2 hours later. तो बड़ा नहीं होगा ये अली में इतने साइज वो देंगे ना। ये ऐसा देखो ना, ये वाला जो है समर, ये वाला ये देखो, ये है 5 से 6 साल का। समर को वीडियो बनानी है यहाँ पे एक अच्छी सी, वही बना रहे हैं भाई। देखो ये भीड़ है मीठे के लिए। अच्छा देख रहे हो भाई ये भीड़ मीठे के लिए है सिर्फ, रेहान स्वीट। आओ चलो फिर मम्मी। तुम क्यों घुस गए अंदर? सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।